वो कल्चरल स्ट्रक्चर, हाउ कल्चर फॉर्म, संस्कृति की संरचना, संस्कृति किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो संस्कृति के तीन स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। सबसे पहला कल्चरल ट्रेट कहलाता है, सांस्कृतिक तत्व कहिए या इकाई कहिए, कल्चरल ट्रेट। और दूसरा है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, सांस्कृतिक जटिलताएं। और तीसरा है कल्चरल पैटर्न, सांस्कृतिक प्रतिमान। अब कल्चरल ट्रेट का मतलब क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट। कोई भी डिफाइंड मीनिंगफुल कोई भी एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी इकाई। सपोज किचन में सबसे छोटा यूनिट क्या है, क्या हो सकता है? डू यू थिंक किचन में, एक किचन में सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है? मे बी, या स्पून, ठीक है, चम्मच, या क्रिस्टल ऑफ शुगर भी सबसे छोटी इकाई, सॉल्ट, कुछ भी जिससे एक मीनिंग पूरा हो जाए। और क्या बोल रहा? अब जैसे अब पूरा किचन इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बना है। किचन में कितने प्रकार के डिब्बे होते हैं? नमक के, चीनी के, चाय पत्ती के, और क्या क्या है बताओ? मसाला, हल्दी, धनिया, काजू और बादाम, किशमिश। तो किशमिश अपने आप में एक मीनिंग है, एक यूनिट है, दैट इज कल्चरल ट्रेट, कल्चरल यूनिट। एक एक चीज हम लोगों ने ईजाद किया है। जैसे मान लो कुर्सी, अब घर में कई कुर्सियां हैं, कम से कम किसी भी घर में दो कुर्सी तो होती ही है, क्योंकि एक कुर्सी आमतौर पर नहीं खरीदी जाती है जितना हम जानते हैं, ठीक है। तो एक एक कुर्सी एक एक मीनिंग को पूरा करता है। अब कोई को थोड़ी बोले हैं कुर्सी का डंटा लीजिए बैठ जाइए, जिससे देखो फंक्शनल यूनिट भी है। मीनिंगफुल तो तब होगा ना जब उसका फंक्शन पूरा हो जाएगा। आपके शरीर में एक बाल, बाल के कहने से मामला क्लियर हो जाता है, ठीक है, या आंख, नाक, मतलब एक मीनिंग आपका, एक खिड़की, लेकिन एक खिड़की से रूम नहीं बनता है, या एक दरवाजा। ये सब यूनिट है कल्चर की। अब सारी यूनिट जब मिलती है कल्चर की तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सांस्कृतिक जटिलताएं बनती है। जैसे अब आप देखिए पूरे किचन में क्या क्या होता है, ये सारी चीज जब मिलती है, मसाला जितने भी प्रकार के हैं, बेलन, चौकी, और क्या क्या होता है, इंडक्शन और गैस सिलेंडर, और क्या क्या होता है, इतना तो बोल ही सकते हो, फैन, बेलन, जो भी है मसाले का जितना भी आइटम है, एक इन सब को एक साथ अगर मिला दें तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये पूरा घर नहीं है, ये सिर्फ किचन का हिस्सा है। उसी तरह आप बेडरूम में जाएं तो बेडरूम में एक यूनिट है, तकिया, गलाफ, चादर, है कि नहीं, अलमीरा, एक एक इकाई है। ये सब मिलकर के बेडरूम को एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और पूरे घर को। उसी तरह बाथरूम एक कॉम्प्लेक्स है। पूरा घर जब एक साथ मीनिंगफुल तरीके से मिलता है तो वो पैटर्न बनाता है। जैसे कॉलेज के उदाहरण से आप समझिए, कॉलेज में आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के पढ़ने से आप पास नहीं हो पाते। एक सब्जेक्ट आपका एक यूनिट है और सब इंटर रिलेटेड है। आपका तीन सब्जेक्ट होता है और तीनों में अगर आप पास नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते। तो सारे इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपको कामयाब स्टूडेंट बनना है तो हर विषय में आपको कामयाब होना पड़ेगा।
क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। सपोज सोशियोलॉजी आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है और आप सोशियोलॉजी अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोशियोलॉजी समझने से आपके हिस्ट्री का काम या ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होना चाहते हैं तो पूरे पैटर्न को लेकर के चलना पड़ेगा। आपका एवरेज मार्क्स जो आप फर्स्ट डिवीजन लाते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट की वजह से डिटरमिन नहीं होता, वो सारे सब्जेक्ट मिलकर के ऑन एन एवरेज आपका मार्क्स बनता है। यही होता है ना, टेंथ में यही हुआ था, टेंथ प्लस टू में यही हुआ था और ग्रेजुएशन में भी यही होगा। यही हाल कल्चरल पैटर्न का है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। आपका कोई प्रश्न है बताइए, और कोई सवाल नहीं है।